नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर नॉलेज इज पावर का ये जो पार्ट 7 का वीडियो है, उस वीडियो में मैं आज आपको अध्यात्म की और भी थोड़ी बातें शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसमें ज़्यादातर मैंने 3 बहुत अच्छी बातें हैं उसको फोकस किया है। दोस्तों, इस वीडियो में 3 अवस्थाएं जो हमारी होती है मनुष्य की, सत्व, रजस और तमस, ये 3 प्रकृति जो है वो ज्ञानी पुरुष, अध्यात्म और शास्त्र किस तरह से हमें समझाता है, वो सारी बातें आज बहुत शॉर्टली मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। दोस्तों, ज्ञानी पुरुष के लक्षण कौन से होते हैं, मनुष्य की अवस्थाएं कितनी हैं, यह अवस्थाएं कौन से बेसिस के ऊपर काम करती है, ये सारी बातें आज इस वीडियो में बहुत ब्रीफली मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे प्रीवियस वीडियोस जो है उस तरह ये वीडियो भी आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। तो बहुत जल्द शुरू करने जा रहा हूँ दोस्तों, नॉलेज इज पावर पार्ट 7। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसमें ज़्यादातर मैंने जीव में स्थित बुद्धि और बुद्धि किन 3 अवस्थाओं में से गुजरती है, ये सत्व, रजस और तमस प्रकृति की बात मैं आपके सामने रखता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहला मेरा जो पॉइंट है कि बुद्धि इन 3 अवस्थाओं से होकर गुजरती है। वो 3 अवस्थाएँ कौन सी है, तो ये 3 अवस्था जो है वो है सत्व, रजस और तमस। यानी कि बुद्धि जिस 3 प्रकृति से, जिन अवस्थाओं से गुजरती है, वो 3 अवस्थाओं के संबंध में जो समझ होती है हमारी, वे मन, यानी कि मन के साथ इंद्रियों के सहित ये सारी अवस्थाएं हमारे मन में रहती है। दोस्तों, जीव में स्थित बुद्धि जो है, ये बुद्धि खासकर जिन 3 अवस्थाओं से गुजरती है, ये 3 जो अवस्था मैंने आपको बताई, पहली है सत्व, दूसरी अवस्था है रजस और तीसरी है तमस। यानी कि सबसे पहली जो है सत्व, तो सत्व जो प्रकृति है वो ज़्यादातर आनंद प्रकट होने की निशानी है। जब भी आपको कोई आनंद होता है, प्राकृतिक आनंद होता है, कोई ऐसा काम देख के, कोई ऐसा कार्य करके, आपके मन के अंदर, आत्मा के साथ, पूरे शरीर में, आपकी बुद्धि में जब आनंद प्रकट होता है, तो तुरंत हम कहते हैं कि ये सत्व गुण की निशानी है। इन 3 अवस्थाओं को हम गुण भी बोलते हैं। तो ये आनंद की अभिव्यक्ति करती है सत्व। दूसरी जो है वो रजस, रजस प्रकृति हमेशा दुख अभिव्यक्त करता है। जब भी हमें कोई असाधारण दुख या ग्लानी या कोई ऐसी कोई चीज़ होती है, तो ये इस तरह के लक्षण जो है, ये है रजस प्रकृति के लक्षण। और जो तमस प्रकृति के लोग होते हैं, तमस प्रकृति, तो वो न तो सुख न तो दुख, ठीक है। तो ये 3 अवस्थाएं जो है, ये 3 अवस्थाओं के जो गुण हैं, ये गुण मैंने आपके सामने रखे हैं दोस्तों। यानी कि सत्व गुण हमेशा आनंद, प्रसन्नता और हृदय की संतुष्टि की अभिव्यक्ति करता है। रजस प्रकृति जो है, रजस अवस्था जो है, वो हमेशा शोक, दुख, असंतोष और क्षमा न करने की भावना जो हमारे मन में होती है, वो रजस प्रकृति से होती है। और जो अज्ञानी लोग हैं, वो अज्ञान प्रकट करते हैं, आसक्ति और भ्रम प्रकट करते हैं, प्रमाद या आलसी, मूढ़ता और भय, क्षुद्रता, प्रसन्नता, निंद्रा
और विलंब, ये सारे जो लक्षण है वो है तमस प्रकृति के लक्षण। तो ये तीन गुण जो है, ये तीनों गुणों के मैंने आपको लक्षण बताए। अब समझ और आत्मा का अंतर, यानी कि डिफरेंस बिटवीन हमारी समझ जो है और आत्मा जो है, ये दोनों के बीच में अंतर क्या है, तो दोस्तों उसके बारे में मैं आपको बहुत आसानी से और बहुत सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूं, तो समझ जो है, ज़्यादातर समझ हमारे मन में, समझ जो है वो गुणों को उत्पन्न करती है, हालांकि आत्मा जो है वो गुणों को उत्पन्न नहीं करती है। तो इसको हम अलग तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, यद्यपि वे स्वभाव से एक दूसरे से भिन्न है, यानी कि समझ और आत्मा जो है वो एक दूसरे से भिन्न है, फिर भी वे सदैव एकता की स्थिति में रहते हैं। हमारे शरीर में, हमारी बुद्धि में आत्मा और समझ दोनों बहुत मिलजुल के सदैव एकता की स्थिति में रहते हैं। तो उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैंने यहाँ पर आपके लिए दे रखा है, जिसमें मछली जिस जल में रहती है उससे भिन्न है, यानी कि जल और मछली दोनों एक दूसरे से भिन्न है, परंतु मछली और जल का एक साथ रहना भी उतना ही आवश्यक है। ठीक है, मछली जल नहीं है, जल मछली नहीं है, फिर भी उन दोनों का एक साथ रहना आवश्यक है। बिल्कुल समझ और आत्मा, ये दोनों का भी हमारे शरीर में कुछ ऐसा ही रोल है। गुण आत्मा को नहीं जान सकते हैं, जो मैंने सत्व रजस और तमस की बात करी, ये जो गुण है उसमें उत्पन्न होने वाले गुण जो है, ये गुण आत्मा को जान सकते नहीं हैं, लेकिन आत्मा उन्हें जानती है। जो लोग अज्ञानी होते हैं वे आत्मा को गुणों के साथ एकता की स्थिति में विद्यमान करते हैं। अज्ञानी लोग क्या मानते हैं, आत्मा और जो हमारे गुण है रजस तमस या फिर सत्व, ये सब एकता की स्थिति में, यानी कि एक ही है बस, ऐसा मानते हैं। जैसे गुण उनके धारकों के साथ विद्यमान होते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि वो दोनों बहुत अलग बातें हैं। आत्मा वास्तव में सभी चीज़ों का केवल एक निष्क्रिय साक्षी है, यानी कि हम सभी मनुष्यों के अंदर, हमारे शरीर के अंदर आत्मा सिर्फ एक साक्षी रूप एक तत्व है, जो हमें ईश्वर की कृपा से मिला है। दोस्तों समझ और आत्मा के बारे में और भी थोड़ी बातें मैं आपके सामने रखता हूँ। समझ का कोई आश्रय नहीं है, जिसे जीवन कहा जाता है, जिसे जीवन कहा जाता है, समझ के अस्तित्व को शामिल करते हुए वह गुणों के एक साथ आने के प्रभाव से उत्पन्न होता है। ठीक है, गुणों के एक साथ, जब सभी गुण एक साथ आते हैं, प्रकट होते हैं, तो उसका जो प्रभाव पड़ता है हमारे मन के अंदर, उससे हमारी समझ क्रिएट होती है, और उसी समय समझ जो है, ये समझ अन्य समझ द्वारा निर्मित इन गुणों के अलावा कारण के रूप में कार्य करते हुए शरीर में निवास करने वाली समझ का निर्माण करते हैं। तो ये जो सारे गुण हैं, उस गुणों के प्रभाव से, एक साथ गुणों का प्रभाव जो पड़ता है, तो उससे समझ क्रिएट होती है, और वही समझ जो है, वो समझ का निर्माण कैसे होता है, उन सारे गुणों से कारण के रूप में जो हम कार्य करते हैं, ये कार्य करते हुए शरीर में निवास करने वाली समझ, यानी कि हमारे शरीर के अंदर एक समझ उत्पन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज, कोई भी व्यक्ति गुणों को उनके वास्तविक स्वरूप या अस्तित्व के रूप में नहीं समझ सकता। फिर आत्मा केवल उन्हें देखती है, यानी कि एक निष्क्रिय, कुछ करता नहीं है, अकर्ता का भाव होता है आत्मा के पास। आत्मा केवल उन्हें देखती है,
समझ और आत्मा के बीच मौजूद ये मिलन शाश्वत है। दोस्तों यानी कि समझ और आत्मा वो दोनों अलग बातें हैं, लेकिन एक साथ एक ही स्वरूप में विद्यमान रहते हैं। दोस्तों अब आते हैं ज्ञानी पुरुष के बारे में। तो ज्ञानी पुरुष के लक्षण जो होते हैं ये सारी बातें हमने जानी, लेकिन मेरा जो मूल टॉपिक है नॉलेज इज पावर, हाउ कैन वी मेक अवर नॉलेज पावर। दोस्तों ये अध्यात्म की बहुत सारी बातें, बहुत सारा ज्ञान इसी तरह से हम संपादन तो जरूर करते हैं, लेकिन ज्ञानी वो कहलाता है जो अध्यात्म से परिचित होता है। ज्ञानी धैर्य से युक्त होता है, बहुत धैर्यशाली होता है। ज्ञानी कभी कष्ट नहीं पाता है, ज्ञानी को कोई दुख हानि नहीं होता है। ये सारे लक्षण जो है वो ज्ञानी पुरुष के बारे में मैंने बताए। तो ये तीन महत्वपूर्ण जो ज्ञानी पुरुष के लक्षण है उसके बारे में और आगे जानकारी, वे उस जल के दूसरे किनारे पर जाने में समर्थ होते हैं। मान लो मित्रों कि हमारी जिंदगी एक नदी की तरफ बहती जा रही है, उस नदी के सामने वाले किनारे पे, उस किनारे पे जाना है, तो ज्ञानी पुरुष जल के दूसरे किनारे पर जाने में समर्थ होते हैं। वास्तव में ज्ञान उस नदी में एक कुशल नाव है, क्योंकि वो ज्ञानी पुरुष के पास नदी के उस पार दूसरे किनारे पर जाने के लिए ज्ञान रूपी नाव होती है। ज्ञानी पुरुषों को उस भयंकर भयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो ज्ञानी है वो भय से डरेगा नहीं, जो ज्ञान से रहित लोग है वो भयभीत होते हैं। बहुत सारे अज्ञानी जो लोग हैं, अज्ञानी पुरुष है, वो ज्ञान नहीं होने की वजह से, अज्ञानी होने की वजह से ज्ञान रूपी नाव के ऊपर बैठ के नदी के उस किनारे नहीं जा सकता है। तो ये है ज्ञानी और अज्ञानी पुरुष का डिफरेंस, और ज्ञानी पुरुष कौन से लक्षण उसके पास होते हैं, हम किसको ज्ञानी पुरुष बोलते हैं, ये सारी बातें थी। दोस्तों ज़्यादातर हमारी तीन प्रकृति, तीन अवस्थाएं, सत्वगुण, रजसगुण और तमसगुण। तो बुद्धि में, बुद्धि इन तीनों अवस्थाओं से कैसे पसार होती है, कौन सा रिएक्शन बुद्धि को मिलता है, और उसके प्रभाव हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारे मन में क्या पड़ता है, ये सारी बातें और ज्ञानी पुरुष के लक्षण, ज्ञानी पुरुष कैसे अपनी ज्ञान के जरिए शक्तिशाली बन सकता है, ये सारी बातें मैंने आज आपको बहुत सरल भाषा में बताने का प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको ज़रूर ज़रूर बहुत 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 लाइक शेयर करना मत भूलिए, एंड अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।